friends, myself Ashwini Kumar from IMS BHU, MBBS first year student. Today we are going to discuss genetics. आज से अपना जो है वो genetics का video series शुरू हो जाएगा. Genetics के video शुरू होने में सबसे जो पहला जो part discussion करेंगे आज हम लोग वो है Mendel experiment. ठीक है, क्योंकि Mendelism से ही आपकी genetics की part शुरू होती है. यहाँ कुछ basic introduction जो है वो मैं अगले video में कोशिश करूँगा आ जाए, अंतिम में हम लोग discuss कर लेंगे कुछ basics याद करने वाली चीज़ें तो देख लेंगे हम लोग later. उससे पहले मैं बता दूं आपको ये जो जेनेटिक्स में आपको बताऊंगा वो कोटा के बेस्ट टीचर जो थे आशीष महेश्वरी सर, आप लोग काफ़ी लोग जानते भी होंगे, उन्हीं के नोट्स पर आधारित है क्योंकि मैं उन्हीं से पढ़ा था पिछले साल. ओके, तो आप घबराना नहीं है. यदि आपने कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है या आपको कोई दूसरे टीचर भी पढ़ा रहे हैं तो आपको एकदम नहीं घबराना है, कंटेंट वही रहेगा सारा. तो आप इस पर नोट्स भी बनाइए. मेरा एक भी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप नोट्स बनाइए इसका. ठीक है, और आपको कैसा लगा ये कमेंट जरूर कीजिए नीचे. ठीक है, ताकि हम लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि हम लोग उसमें कुछ सुधार कर सकते और आपको अच्छा मटेरियल और प्रोवाइड करा सकें. तो आइए हम शुरू करते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट. पहला तो क्वेश्चन होता है मेंडल एक्सपेरिमेंट में जो मेंडल ने किस चीज़ को चूज किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो दैट वाज पी. तो उसका साइंटिफिक नेम आपको पता है पाइजम्स एट आइवम. पाइजम्स एट आइवम को ही मेंडल ने एक्सपेरिमेंटल करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए चूज किया था. अब ऐसा तो होगा नहीं कि मेंडल ने अचानक किसी भी प्लांट को चूज कर लिया, उसके पीछे मेंडल का अपना रिसर्च वर्क होगा. मेंडल आखिर क्यों पाइजम्स एट आइवम को ही क्यों चूज किया, क्यों पाइजम्स एट आइवम ही उसके ध्यान में आया, तो इसके लिए एनसीईआरटी काफी पॉइंट्स दिए. आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, तो वही पॉइंट्स डिस्कस करते हैं क्यों मेंडल ने पाइजम्स एट आइवम ही चुना. तो ये पहला जो पॉइंट था क्या कि पाइजम्स एट आइवम इजी टू कल्टीवेट, आसानी है, आसान है उसको कल्टीवेशन करना. तो मेंडल को एक्सपेरिमेंट के दौरान कल्टीवेट करना था पाइजम्स एट आइवम को. जिस प्लांट पर भी वो एक्सपेरिमेंट करते उसको क्या करना पड़ता, कल्टीवेट करना पड़ता. और वो जानते थे कि पाइजम्स एट आइवम का कल्टीवेशन क्या आसान है, इसलिए पहला रीजन सपोर्ट में गया. दूसरा रीजन क्या था, शॉर्ट लाइफ साइकिल. लेकिन लाइफ साइकिल था जो पाइजम्स एट आइवम का वो बहुत छोटा था, इसके कारण क्या हो गया वो बहुत सारे जनरेशन को विद इन अ ईयर या विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन बना सकते थे, बहुत सारे जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते थे. ये समझना जरूरी है. लाइफ स्पैन छोटा था, मतलब जो मान लीजिए आप शुरुआत हो रहा है और फिर जो लाइफ शुरुआत हो रहा है और एंड उसका टाइम पीरियड मान लीजिए आपका 3 महीना है, 2 महीना ऐसा है, तो क्या होगा लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है. तो एक ईयर में आप 6 बार उस प्लांट्स को लगा सकते हैं और उगा सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा ही पाइजम्स एट आइवम के साथ भी था. पाइजम्स एट आइवम का लाइफ स्पैन क्या था, बहुत छोटा था, उसका फायदा उन्होंने उठाया. थर्ड पॉइंट क्या था, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग. जब इसका पोलिनेशन होता था और जब पोलिनेशन होता था तो उसके बाद जो रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन का ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन हुआ, तो ऑफस्प्रिंग जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत लार्ज नंबर में. इससे क्या कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स हो जाएंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए. मेंडल को काफ़ी ज़्यादा पाइजम्स एट आइवम मिल जाता था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो क्वांटिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं था. क्यों, क्योंकि क्वांटिटी क्यों बढ़ जाता था, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा था. ठीक है, पाइजम्स एट आइवम का कैरेक्टरिस्टिक है जो सिंगल रिप्रोडक्शन में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आ जा रहा था, तो उससे आसानी हो गया एक्सपेरिमेंट करने में उनको. जो चौथा पॉइंट हो गया मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और उस पाइजम्स एट आइवम में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल गए जिस पर कि रिसर्च करना और भी आसान हो गया उनको जीन स्टडी करना उस प्लांट में और भी आसान हो गया. क्लियर, ये 4 पॉइंट थे. सबसे पहला क्या है इजी कल्टीवेशन था, सेकंड क्या था शॉर्ट लाइफ स्पैन था, तो थर्ड पॉइंट क्या लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आ रहा एक सिंगल रिप्रोडक्शन में, तो चौथा पॉइंट था क्या था मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर हम डिस्कस करेंगे, जैसे एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एक कैरेक्टर है प्लांट हाइट. प्लांट हाइट क्या है, कैरेक्टर है. फिर इस प्लांट हाइट में 2 वेरिएशन होता है, या तो प्लांट टॉल होगा नहीं तो पॉइंट प्लांट ड्वार्फ होगा. इसका मतलब क्या, वो कॉन्ट्रास्ट है इस कैरेक्टर में, हाइट जो कैरेक्टर है उसमें कॉन्ट्रास्ट आ रहा है. कॉन्ट्रास्ट मीन्स वन प्लांट विल बी टॉल एंड अदर प्लांट विल बी शॉर्ट. ठीक है, ये तो टॉल होगा नहीं तो ड्वार्फ होगा, यानी कि कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है. ठीक है, उसी तरह फ्लावर पोजिशन में भी. ठीक है, तो समझ गए आपके मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कैसे आया. तो जो मेंडल एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए तो उन्होंने शुरू में 34 कैरेक्टर्स को लिया था. 34, आप सही सुन रहे हैं, 34 कैरेक्टर्स को उन्होंने शुरू में लिया था. लेकिन जब धीरे धीरे वो एक्सपेरिमेंट करते गए तो उनको लगा कि नहीं, इतना कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करना एक कम्बर्सम प्रोसेस होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा और रिजल्ट आने में भी गड़बड़ी आ सकता है, क्योंकि यदि ज़्यादा चीज पर हम वर्क करेंगे तो एरर का चांसेस क्या है, ज़्यादा है. तो उन्होंने क्या किया, उस 34 को पहले रिड्यूस किया 22 में, फिर उस 22 को उन्होंने रिड्यूस किया 7 में, और हम लोग जो पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में दिया वो क्या दिया, वो 7 कैरेक्टर्स पर. लेकिन जो उन्होंने शुरू में किया था, शुरू जब किया था एक्सपेरिमेंट का, तो वो 34 कैरेक्टर शुरू किया, 34 कैरेक्टर शुरू करके और वो पहुंचे 22 पर, फिर 22 से 7 पर. मैंने यहाँ लिख दिया, आप नोट्स में लिख सकते हैं, इनिशियली 34 कैरेक्टर सिलेक्टेड, देन ही वाज 22 एंड देन 7. तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था. अब आते हैं कि मेंडल जो हम लोग 7 कैरेक्टर्स का बात करते हैं, वो 7 कैरेक्टर्स देखते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिए, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं. ठीक है, तो पहला जो कैरेक्टर है प्लांट हाइट, तो
हर एक कैरेक्टर में मैं क्या बोला कॉन्ट्रास्ट है, हर एक कैरेक्टर में दो चीजों का डोमिनेंट और रिसेसिव होगा, ये आपको याद रखना बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। हर कैरेक्टर में क्या होगा, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। आइए देखते हैं हम, जो पहला है प्लांट हाइट। हाइट में क्या हो सकता था, आप ही सोचिए ना, हाइट में क्या हो सकता है, आदमी या तो लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है, बस पाइजन से टाइम में क्या होगा, या तो टॉल होगा नहीं तो ड्वार्फ होगा। तो प्लांट हाइट का डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो गया, टॉल, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या हो गया, ड्वार्फ। क्लियर है, प्लांट हाइट में क्या हो गया, टॉल एंड ड्वार्फ। सेकंड पॉइंट लेते हैं, सेकंड पॉइंट अपना फ्लावर कलर, ठीक है, CUL मींस कलर, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में डोमिनेंट जो था वो वायलेट था, वायलेट, ठीक है। और कहीं कहीं आपको वायलेट की जगह पिंक भी दिख मिल सकता है लिखा हुआ, तो वो घबराना नहीं है, वायलेट या पिंक लिखा है तो समझ जाना क्या चाहिए डोमिनेंट कैरेक्टर के बारे में दिया। और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो क्या है, व्हाइट। वी विल डिस्कस लेटर ऑन व्हाट इज रिसेसिव एंड व्हाट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ, और भी कंसेप्ट सीखेंगे तो वहाँ भी डिस्कस करेंगे, आपको याद रखना बस ये छोटा सा। फिर है फ्लावर पोजीशन, ठीक है, फ्लावर पोजीशन भी दो टाइप का, या तो मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या तो आप यहाँ से देख सकते हैं, या तो मान लीजिए ये प्लांट है तो इसका ये एक्सियल पोजीशन है और ये सब टर्मिनल पोजीशन है, ठीक है, एक्सियल एंड टर्मिनल पोजीशन है, उसके बेसिस पर हमने फ्लावर पोजीशन को डिफाइन किया। तो फ्लावर पोजीशन डोमिनेट कब होगा, जब फ्लावर का पोजीशन क्या होगा, एक्सियल, यानी कि फ्लावर जब एक्सियल पार्ट पर तो क्या होगा, वो डोमिनेटिंग होगा, और यदि फ्लावर टर्मिनेटिंग पार्ट पर, टर्मिनल पार्ट पर, तो दैट विल रिसेसिव कैरेक्टर है। तो फ्लावर पोजीशन का डोमिनेट क्या है, एक्सियल, एंड रिसेसिव क्या है, टर्मिनल, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला आते हैं, अगला है पॉड शेप, पॉड शेप, ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेटेड, यानी कि फुला हुआ है, और रिसेसिव क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, वो पॉड शेप का ही है। फिर पॉड कलर आता है, पॉड कलर देखिए, पॉड कलर में जो डोमिनेटिंग है वो क्या, ग्रीन, और रिसेसिव क्या, येलो। देखिए जब आप पी लेने जाते होंगे, पी मटर, ठीक है, तो देखते हो जो ग्रीन कलर का जो पैकिंग रहता है उसके ऊपर, उसके अंदर दाना रहता है, तो जो ग्रीन कलर का पैकिंग है ना ऊपर उसके ऊपर, वही पॉड कलर आता है, ठीक है, वही पॉड है। अब याद रखने में आसानी होगा, तो कलर कैसा दिखता है आपको, ग्रीनिश दिखता है ऊपर से, ठीक है, तो इसलिए जो पॉड कलर है वो डोमिनेट ग्रीन होगा, और रिसेसिव में होगा तो वो येलो होगा। फिर आता है सीड शेप में, सीड शेप में डोमिनेंट जो है वो राउंड, जो राउंड सीड्स होते हैं राउंड, वो डोमिनेंट होते हैं, और रिंकल सीड ये होते हैं आपका रिसेसिव। और आपके लिए क्वेश्चन भी है कि जो मैंने यहाँ बताया आपको कि सीड शेप राउंड या रिंकल्ड होता है, तो राउंड और रिंकल्ड क्यों होता है, किस पार्टिकुलर एंजाइम के कारण, किस पार्टिकुलर एंजाइम के कारण, क्वेश्चन सुन लीजिएगा, किस पार्टिकुलर एंजाइम के कारण एक सीड राउंड होता है और अदर सीड रिंकल्ड हो जाता है। आपको इसका आंसर लिखना, सिर्फ एंजाइम का नाम लिख देना, या प्रोसेस भी आप समझा सकते हैं तो समझा दिएगा, ठीक है, ये मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा इसको। फिर अपना सीड कलर, सीड कलर में डोमिनेटिंग है येलो है एंड रिसेसिव ग्रीन है। देखिए इसमें जो कन्फ्यूजन होता है वो ये सीड कलर है, सीड कलर एंड पॉड कलर में, ठीक है, पॉड कलर में क्या हो, ग्रीन, मैंने समझाया पॉड क्या है, वो जो मटर खेलने जाते हैं तो उसके ऊपर छिलका होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, तो ग्रीन पॉड कलर में डोमिनेंट होगा, जबकि जब हम फ्लावर कलर का बात करेंगे तो फ्लावर कलर में डोमिनेंट क्या होगा, येलो होगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आइए आगे चलते हैं हम लोग, ये बेसिक आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट याद करना है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आप याद कर लीजिए, एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आपको इन सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे मान लीजिए प्लांट हाइट है करेक्टर, फ्लावर कलर है, फ्लावर पोजिशन, ये सारे करेक्टर है, और ये सारे करेक्टर एक जीन से कोड किए जा रहे होंगे, करेक्टर मस्ट बी कोडेड बाई जीन, करेक्टर कोड किससे होता है, जीन से होता है। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एम्स में कि जो ये करेक्टर है वो किस क्रोमोजोम के जीन में मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, जो प्लांट हाइट है वो मिलता है फोर्थ क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम है, जो फ्लावर कलर है वो मिलेगा फर्स्ट क्रोमोजोम में, फिर नीचे वाले फ्लावर पोजीशन एंड फ्लावर पॉड शेप दोनों 4-4, फिर पॉड कलर 5, सीड शेप 7 एंड सीड कलर फर्स्ट में मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कौन से क्रोमोजोम में कौन सा मिलता है, इसके लिए ट्रिक भी सुन लीजिएगा ध्यान से, देखिए सीड शेप 7, क्या बारे बोला, सीड शेप 7, 7 किससे होता है, SEVEN, तो SSS, सीड शेप 7। फिर कलर वाले जितने भी है सब फर्स्ट पर आएंगे, क्योंकि आदमी हमेशा कलर को प्रायोरिटी देता, कलर अच्छा है तो अच्छा है चीज, ठीक है, तो कलर वाले सब फर्स्ट पर आएंगे। देखिए पहला पर क्या है, फ्लावर कलर, पहला पर क्या है, सीड कलर, एक जो बच गया वो पॉड कलर है, ठीक है, ये एक्सेप्शन नहीं, ये फिफ्थ पर आएंगे, फिफ्थ पर, पांच पर आएगा ये पॉड कलर, बाकी जो भी कैरेक्टर बच गया है वो सब फोर्थ पर आएंगे। तो ये आसान तरीका है, ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कलर वाली चीज फर्स्ट पर आएंगे, कलर प्रायोरिटी पर होता है, यदि कोई अच्छा कलरफुल चीज बनता है तो सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, तो कलर प्रायोरिटी पर कलर वाले फर्स्ट पर आएंगे, बस एक्सेप्शन क्या है, पॉड कलर, पॉड कलर कहाँ आएगा, फिफ्थ पर आएगा, क्लियर, ठीक।
अब आते हैं, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था, अब आते हैं कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट करने का जो टेक्निक था वो टेक्निक बेसिकली क्या था, ठीक है, उस टेक्निक में क्या क्या इन्वॉल्व था। तो मेंडल बेसिकली थ्री टेक्निक्स को लेकर चला था, तीन स्टेप में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पूरा किया था। जो पहला जो स्टेप था वो था सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, ठीक है, जो सेकेंड स्टेप था वो हाइब्रिडाइजेशन, और जो तीसरा स्टेप है सेल्फिंग कराना हाइब्रिडाइजेशन के बाद। तीन स्टेप आपको ध्यान रखना है, ये हम लोग लेटर में डिस्कशन में पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा इसका, अब इसी का डिस्कशन होगा आगे तीन चार वीडियो तक। तो पहला क्या है अपना सिंपल सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, मतलब प्योर पेरेंट का सिलेक्शन करना। प्योर पेरेंट का को सिलेक्शन करने में क्या मदद करता है, हमको क्या करना पड़ता है, सेल्फिंग करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस सेल्फिंग करवाना पड़ेगा मुझे, तो मुझे क्या मिलेगा, प्योर पेरेंट मिलेगा। हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे, प्योर पेरेंट के बारे में एक लेक्चर लेंगे हम, ठीक है। आपको भी ध्यान रखना है कि प्योर पेरेंट कैसे बनाते हैं हम लोग, तो बाई कंटिन्यूअस सेल्फिंग। सेकेंड पॉइंट क्या था, जो प्योर पेरेंट आ गया उस प्योर पेरेंट को क्या करना, हाइब्रिडाइजेशन कराना। इसलिए आप देखिए यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, प्योर पेरेंट मीन्स दोनों टीटी या दोनों स्मॉल टीटी, मान लीजिए ये मेल एंड ये फीमेल पेरेंट, ठीक है, दोनों प्योर पेरेंट है। प्योर क्यों, क्योंकि होम जाएगा से दोनों। अब इन दोनों को क्या किया, क्रॉस करा दिया, ठीक है, दोनों क्रॉस कर रहे हैं, दोनों क्रॉस करवाने से ये पहला ऑफस्प्रिंग आया, ठीक है। तो ये जो क्रॉसिंग हुआ, ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हम दोनों में क्या करा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। पहला काम क्या किया हम, यहाँ पर भी प्योर पेरेंट, ये भी प्योर पेरेंट का सिलेक्शन किया, उस प्योर पेरेंट में क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन करा। हाइब्रिडाइजेशन से क्या मिला, ऑफस्प्रिंग मिला। फिर इस ऑफस्प्रिंग का क्या करेंगे, सेल्फिंग करा लेंगे इससे, ठीक है। तो सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, ये हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग हो गया, ये प्योर नहीं है क्योंकि कैपिटल टी एक स्मॉल टी है। अब इसका क्या करा दिया हम, इससे सेल्फिंग करा दिया। सेल्फिंग मींस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से ही करा दिया। सेल्फिंग का मतलब क्या हो गया भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी वाले से ही करा दिया। फिर इसमें बोल दूंगा आपको, जो हम बोल रहे हैं प्योर पेरेंट की बात कर रहा हूं, प्योर पेरेंट मींस एक ही टाइप का एलील होना चाहिए, ठीक है, या दोनों सेम ही है, कैपिटल टी प्योर पेरेंट हो गया। यहां पर स्मॉल टी यानी कि प्योर पेरेंट है। प्योर पेरेंट का मतलब क्या हो गया कि सेम टाइप के एलील्स होने चाहिए, क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन कराए तो बना अपना हाइब्रिड का, फिर सेल्फिंग करा दी जाता हूँ मैं इसको। फिर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे तो वहाँ भी डिस्कस करेंगे, चिंता नहीं कीजिए, मैं भी समझ में आया, कोई बात नहीं, और लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन में दो तीन स्टेप देखना था, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में जो मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन जो किया था उसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व थे, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व थे। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो पहला स्टेप था उनका वो इमेस्कुलेशन था, क्या था, इमेस्कुलेशन। और जो सेकेंड स्टेप है वो है बैगिंग एंड टैगिंग टेक्निक, ठीक है, इमेस्कुलेशन एज वेल एज बैगिंग एंड टैगिंग टेक्निक। अब आते हैं पहला जो टर्म है अपना इमेस्कुलेशन पर, देखते हैं इमेस्कुलेशन है क्या। इमेस्कुलेशन का मैंने लिख दिया, इमेस्कुलेशन कुछ नहीं है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर मैच्योरिटी। देखिए एंथर को हटाते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स एक ही फ्लावर जिसमें पॉलन ग्रेन भी हो और उसका ओवा भी हो, ताकि पॉलन ग्रेन फ्यूज कर सके ताकि ओवा के साथ, तब सेल्फ पॉलिनेशन का केस जो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलता है। तो हम चाहते हैं कि नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाए, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। मैं टारगेट क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उस प्लांट का जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि उसको पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन उसके एक को फर्टिलाइज कर सकता है, तो क्या करते हैं पोलन ग्रेन को काट कर हटा देते हैं उस पर्टिकुलर फ्लावर से। तो उस पर्टिकुलर फ्लावर में पोलन ग्रेन है ही नहीं, तो सेल्फ पोलिनेशन का चांसेस खत्म हो गया। वो क्रॉस पोलिनेशन तो कर सकता है बट इट विल नॉट अंडरगो सेल्फ पोलिनेशन क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पोलन ग्रेन्स को कट करके पहले ही हटा चुके हैं, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कब करना पड़ेगा, जब वो फ्लावर मैच्योरिटी अटेंड करे उससे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्लावर एक बार मैच्योरिटी अटेंड कर लिया तो फिर वो जो पोलन ग्रेन होगा वो फर्टिलाइज कर चुका होगा उसके एक को। तो ध्यान रखना हमको कि जो इमेस्कुलेशन करना है, एंथर को जो हटाना है, वो बिफोर मैच्योरिटी ऑफ दैट फ्लावर पर्टिकुलर फ्लावर, क्योंकि पर्टिकुलर फ्लावर यदि मैच्योर कर गया देन इट मस्ट अंडरगोन द रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यदि आप उसका इमेस्कुलेशन कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन तो पहले ही हो चुका है। तो सेल्फ पोलिनेशन को यदि आपको रोकना है तो क्या करना होगा, उस फ्लावर के बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब बारह क्वेश्चन ये आता है कि इमेस्कुलेशन इज डन इन, तो पहला ऐसे क्या कहना है आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर। फिर दूसरा लाइन आता है मैच्योरिटी के बाद कर दे तो कोई फायदा नहीं है आपको, ठीक है। और इसका एम क्या है, टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। तो तीन क्वेश्चन बनते हैं इमेस्कुलेशन से, पहला एंथर को हटाना है किससे, बाइसेक्सुअल फ्लावर से। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या, क्यों हटाना है, तो टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। तीसरा क्वेश्चन बनता है वो क्या, किस टाइप के फ्लावर से हटाना है, तो इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये तीन पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए, ठीक है। आइए
अब यार देखिए टेक्निक जो है, अगर अगला आप बैगिंग एंड टेक्निक देख, देखिए ये एक फ्लावर ले लिया मैंने, ये एक फ्लावर ले लिया, ठीक है। अब क्या है कि ये भी ये अपना कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें एंथर भी था और एक भी था, तो फर्टिलाइजेशन हो सकता था। इसलिए क्या किया, पहले इमेस्कुलेशन कर दिया, इमेस्कुलेशन किया, इसके एंथर को मैंने रिमूव कर दिया। अब क्या किया, दूसरा प्लांट है, इसका जो इसका पोलन ग्रेन मैंने लिया, इसका पोलन ग्रेन लिया और इसके पोलन ग्रेन को मैंने इस प्लांट के एक से फ्यूजन कराया, क्रॉस पोलिनेशन कराना मेरा टारगेट था, मैंने क्रॉस पोलिनेशन करा दिया। अब क्या किया, इस वाले प्लांट पर एक बैग की तरह बैग बांध दिया मैंने इसको, ताकि कोई बाहर से आकर अगर पोलन ग्रेन इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि यदि अदर पोलन ग्रेन आकर इसको फर्टिलाइज करते तो क्या करेंगे, कंटामिनेट कर देंगे मेरे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को। तो हम चाहते हैं कि हम मैंने जिससे फर्टिलाइज करवाया है बस उसी के ऑफस्प्रिंग मुझे मिले, बाहर से कुछ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए क्या कि मैंने बैग टाइप का एक बांध दिया ताकि कोई फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं हो, और इसको इसको टैग कर दिया, टैग कर दिया मतलब लिख दिया कि हाँ ये कौन सा प्लांट है, कब मैंने किया, किस दिन पर मैंने फर्टिलाइजेशन कराया और कैसे कराया था। जनरली टैग लगाना था, कपड़ा कपड़ा टैग लगा होता, उसके बस टैग लगाया था पहचानने के लिए। ये क्या हो गया, बैगिंग एंड टेक्निक। इन दोनों प्रोसीड्योर को, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग एंड टेक्निक को यूज किया गया था हाइब्रिडेशन के द्वारा। तो चलिए एक बार रैपिड डिवीजन करते शुरू से, क्या क्या हमने पढ़ा आज। पहले हमने देखा कि मेंडल एक्सपेरिमेंट में जो पॉइजन से टैग यूज हुआ था उसका क्यों यूज होता, तो पहला ऑप्शन क्या था कि वो इजी टू कल्टीवेट था, फिर दूसरा क्या था ऑफस्प्रिंग ज्यादा आते थे एक सिंगल एप्रोक्सन में, तीसरा क्या था कि उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा था, और चौथा क्या था उसके पास बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। फिर हमने देखा कि 34 से 22, 22 से फिर हम आ चुके थे 7, 7 में देखा मैंने पहले प्लांट हाइट देखा, प्लांट हाइट में टॉल एंड डॉट, फिर मैंने फ्लावर पहला फ्लावर कलर देखा जिसमें वायलेट एंड व्हाइट, फिर हमने देखा फ्लावर पोजीशन दैट इज एक्सियल एंड टर्मिनल, फिर हमने देखा पोर्ट शेप दैट इज इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, फिर हमने पोर्ट कलर देखा ग्रीन एंड येलो, फिर हमने सीड शेप देखा राउंड एंड व्रिंकल, फिर हमने सीड कलर देखा येलो एंड ग्रीन था, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने क्रोमोसोम नंबर डिस्कस किया, सीड शेप 7, सीड शेप कहां होगा 7 पर होगा, कलर वाले सारे फर्स्ट पर आएंगे, सिर्फ पोर्ट कलर को छोड़ के पोर्ट कलर कहां आएगा 5 पर आएगा, बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक क्रोमोसोम नंबर 4 पर आएंगे, ये डिस्कस किया हमने। फिर हमने आगे बढ़ा और फिर डिस्कस किया मेंडल टेक्निक्स, मेंडल टेक्निक्स क्या था, तो पहला मेंडल क्या करता था सिंपल सिलेक्शन करता था प्योर पेरेंट का, फिर उसका हाइब्रिडेशन कराता था, हाइब्रिडेशन कराने के बाद जो ऑफस्प्रिंग मिलते थे उसका सेल्फिंग कराता था, यही मेंडल का प्रोसीड्योर था। हम लोग आगे देखेंगे भी जब हम लोग मोनो हाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। फिर हमने देखा हाइब्रिडेशन के दौरान कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व थी, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग एंड टेक्निक। इमेस्कुलेशन क्या था, रिमूवल ऑफ एंथर था, इससे रिमूवल ऑफ एंथर था भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर से, एंथर को हमको रिमूव करना था, कब करना था तो बिफोर मैच्योरिटी करना था, और क्यों करना था तो सेल पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए करना था। फिर क्या करते थे, बैगिंग एंड टेक्निक करते थे, टैग करते थे, बैगिंग करते थे ताकि कोई अगर पोलिंग एंड आकर उसको कंटामिनेट ना करे, ठीक है। ये अपना डिवीजन हो गया। एक पॉइंट मेरा छूट गया यहाँ पर, मैंने यहाँ लिखा है फ्रूट बेस्ट, ठीक है, पॉट कलर एंड पॉट सेप। ये जो पॉट कलर और पॉट सेप है ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो कि फ्रूट से रिलेटेड है, ठीक है। पॉट कलर एंड पॉट सेप क्या, फ्रूट से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप एक बार इसको देखिए, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स, ठीक है। ऐसे मैं कोशिश करूँगा अगले वर्ष में एनसीईआरटी खुद लेकर आऊँ, टॉपिक्स होने के बाद मैं एक बार रीडिंग करके आपको सुना तो आपको अच्छा लगेगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करें, कमेंट जरूरी है, ठीक है। कमेंट करने से मुझे एक आइडिया मिलेगा, और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।